सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में वेटरनरी एनाटॉमी में लेसन नंबर 8, यानी कल हमने टिश्यू के बारे में अध्ययन किया था, एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक के बारे में अध्ययन किया था। कल हमने उत्तक की परिभाषा यानी टिश्यू की परिभाषा और टिश्यू के फंक्शन क्या है और टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं उसमें हमने टिश्यू जैसे 6 प्रकार के होते हैं, तो कल हमने पहले प्रकार का यानी सिंपल एपिथेलियम के बारे में यानी उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू जो कि 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल सरल उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। तो कल हमने सिंपल एपिथेलियम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यौगिक उपकला यानी कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये क्या है कि ये एक से अधिक कोशिकाओं के परत से मिलकर बनी होती है, यानी ये जो कंपाउंड एपिथेलियम जो है ये है एक से अधिक कोशिकाओं के एक से अधिक परतों से मिलकर बनता है। यानी जो कल था सिंपल एपिथेलियम वो एक सेल के एक ही परत से बनता है, सेल की एक परत होती है उसको बनाने के लिए, निर्माण के लिए। लेकिन इसमें जो यौगिक उपकला है उसमें ये कोशिकाओं के एक से अधिक परतों से बना होता है। ये जो एपिथेलियम जो है इसका मुख्य कार्य अपनी नीचे स्थित रचनाओं की रक्षा करना है, यानी इसका जो मेन काम है टिश्यू का, कंपाउंड एपिथेलियम का मेन काम है अपने से नीचे स्थित जो रचनाएं हैं उनकी रक्षा करना है इसका काम। इसमें सबसे नीचे की परत जो है वो आधार कला से जुड़ी होती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, कल आपको बताया था कि नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उससे जो नीचे वाली सबसे नीचे की परत है वो जुड़ी होती है, जहाँ से इसको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब यौगिक उपकला जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है संयुक्त स्तरीय सल्कों सल्की उपकला, यानी संयुक्त स्तर सल्की उपकला, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कॉर्निफाइड कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा होता है अश्रृंगी संयुक्त स्तरीय सल्की उपकला, यानी नॉन कॉर्निफाइड कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एक होती है कॉर्निफाइड, एक नॉन कॉर्निफाइड। और जो दूसरे प्रकार की कंपाउंड एपिथेलियम जो है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, यानी एक उसका पार्ट होता है कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम और एक होता है कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। और तीसरा प्रकार होता है संयुक्त परिवर्ती उपकला यानी कंपाउंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये 3 प्रकार के कंपाउंड एपिथेलियम के 3 प्रकार होते हैं। और अब अपने सबसे पहले जो है जो पहला प्रकार है उसमें संयुक्त स्तरित सल्की उपकला यानी संयुक्त स्तरित सल्की उपकला कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम उसका अध्ययन करेंगे। तो ये उपकला जो है यानी टिश्यू जो है ये भी कई परतों से मिलकर बना होता है, सेल की कई परत होती है इसमें। इसके ऊपर की जो परत होती है कोशिकाओं की ऊपरी परत जो है वो सल्की उपकला के समान चपटी होती है, यानी सल्की जो उपकला यानी टिश्यू है उसके समान चपटी होती है, इसलिए इसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। यानी चपटी होती है ये सेल जो है इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। और नीचे की परत की कोशिकाएं स्तंभाकार होती है, यानी स्तंभ के आकार की होती है, स्तंभ तथा आधार यानी आधार कला बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। इन दोनों परतों को यानी ऊपर व नीचे की, अर्थात एक ऊपर की स्क्वेमस परत है, नीचे की कोल्यूमनर है, इनके बीच में जो है बहुतलीय कोशिका यानी पॉलीहेड्रल सेल्स का स्तर होता है। इन दोनों के बीच में पॉलीहेड्रल सेल्स का स्तर होता है जिसमें कैलरोप्रोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, कैलरोप्रोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है बीच वाली सतह में,
जो उत्कों को छाता प्रदान करता है, यानी जो उत्कों को एक प्रकार का छाता प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य नीचे के उत्कों की रक्षा करना है, यानी इसका जो मेन काम है वो इसके नीचे जो उत्तक है उनकी रक्षा करना इसका मेन कारण है। दूसरा है संयुक्त स्त्रुति शल की उपकला, यानी ये संयुक्त स्त्रुति शल की उपकला जो है इसके भी दो भाग हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉर्निफाइड है और एक नॉन कॉर्निफाइड है। यानी नंबर एक है कॉर्निफाइड कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, यानी ये उपकला जो है वैसे जो कंपाउंड एपिथीलियम जो है वो कोशिकाओं के अनेक परतों से मिलकर बनता है। नीचे की परत जो नीचे की परत होती है वो कोल्यूमनार यानी खंभे के आकार की स्तंभाकार तथा ऊपर की स्क्वेमस सेल से निर्मित होती है। ऊपर की परत केरोटीन के जमाव के कारण मृत तथा श्रृंगी हो जाती है, यानी इसके जो ऊपर की परत है जो सुपरफिशियल लेयर है वो केरोटीन के जमाव के कारण मृत अर्थात श्रृंगी होर्नी टाइप हो जाती है, होर्नी जैसे सख्त हो जाती है ना उसे श्रृंगी बोलते हैं होर्नी। इसके कौन से उदाहरण हैं इस प्रकार के एपिथीलियम जो है ना, ये त्वचा की ऊपरी परत यानी त्वचा की ऊपरी परत होती है इपिडर्मिस, तो ये जो एपिथीलियम जो है इपिडर्मिस में पाया जाता है, नाखून में, दांतों के इनेमल में, दांतों का जो इनेमल है इनेमल ऑफ टीथ, और हथेली हाथ की हथेली है, और बाल आदि में यानी हेयर्स में, इनमें ये पाया जाता है। तो इसके काम क्या है, ये वातावरणीय प्रभाव यानी वातावरण के बाहरी प्रभाव से और यांत्रिक दबाव जो मैकेनिकल दबाव पड़ता है इन शरीर पे तथा रगड़ खाने से चोट पहुंचने वाले स्थानों पर जहाँ ऐसे स्थान शरीर के जहाँ पे चोट या रगड़ लग सकती है वहाँ पाए जाते हैं, ताकि नीचे की रचनाओं की रक्षा हो सके। यानी नीचे की जो ये जो चीज़ें बताई आपको इनके नीचे की जो रचनाएं उनकी रक्षा करने का ये काम करता है। अगर मान लो अपनी हथेली जैसे हथेली है या नाखून है, ये अगर मान लो कोई वातावरण चोट लगने पर या नष्ट हो जाते हैं तो फिर नीचे जो कोशिकाएं स्थापित होती हैं इनके नीचे उनसे रिप्लेस हो जाती है, यानी नई कोशिकाएं बनती हैं उनसे ये रिप्लेस हो जाती है, जो ये मतलब डेड कोशिकाएं हैं इनकी जगह नई कोशिकाएं उनका स्थान ले जाती है। फिर आती है इसमें नॉन कॉर्निफाइड कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, यानी अश्रृंगी संयुक्त स्तरीय स्तरती सल्की उपकला, नॉन कॉर्निफाइड कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। हिस्टोलॉजिकली, हिस्टोलॉजिकल का मतलब है माइक्रो एनाटॉमी, माइक्रो एनाटॉमिकली यानी वो रचनाएं जिनको अध्ययन हम माइक्रोस्कोप द्वारा कर सकते हैं, तो हिस्टोलॉजिकली इसकी रचना जो है जो पहले अपने श्रृंगी स्तरित उपकला के बारे में पढ़ा बिल्कुल वैसी होती है। अंतर इतना होता है कि इसकी ऊपरी परत जो है वो केरोटिनीकृत नहीं होती है, जबकि उसमें ऊपरी परत केरोटिनीकृत थी। इस प्रकार की उपकला यानी इस प्रकार के टिश्यू कॉर्निया, आँख के कॉर्निया, मुंह में, फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनल केनाल यानी गुदीय नाल, गुदा के नाल, और वोकल कॉर्ड्स, स्वर रज्जु जिस हिंदी में स्वर रज्जु बोलते हैं या वोकल कॉर्ड्स, और मूत्र मार्ग के नीचे के भाग, मूत्र मार्ग के नीचे के भाग योनि वेजाइना, और सर्विक्स ग्रीवा जिसे बोलते हैं सर्विक्स, और यूट्रस गर्भाशय आदि में पाए जाते हैं। यानी इस प्रकार का उत्तक जो है इन स्थानों पाए जाते हैं, वहाँ यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं ये, उस इन ऑर्गन्स को मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करते हैं, बाहरी चोट से बचाते हैं उनको। दूसरे नंबर के जो ये कंपाउंड एपिथीलियम का दूसरा प्रकार वो है, उसका पहला भाग है, दूसरे प्रकार का पहला भाग, पहला प्रकार संयुक्त स्तरीय स्तंभाकार उपकला यानी कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथीलियम। इस प्रकार के टिश्यू शरीर के बहुत कम भाग में पाए जाते हैं, जैसे
फेरिक्स में इपिग्लोटिस, एनल म्यूकोजा और मूत्र मार्ग में, यानी इन स्थानों में इस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार सिलिएटेड इपिथिलियम, सिलिएटेड इपिथिलियम यानी ये भी शरीर के कुछ भागों में ही पाए जाते हैं, जैसे नेजल सरफेस है, नाक की अंदर की सतह और स्वर यंत्र के कुछ भाग, वोकल कॉर्ड के कुछ भाग, यानी इसमें जो है सेल के ऊपर सिलिया होते हैं, विलाई टाइप सिलिया। अब एक होता है लास्ट में, तीसरा प्रकार है इसका कंपाउंड इपिथिलियम जो टिश्यू है उसका तीसरा प्रकार है परिवर्तित उपकला, यानी ट्रांजिशनल इपिथिलियम, ट्रांजिशनल इपिथिलियम परिवर्ती उपकला। इस प्रकार की उपकला में कोशिकाओं की तीन या चार परत होती है, यानी इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है टिश्यू की उनमें तीन या चार परत होती है, और इसकी प्रथम परत की कोशिकाएं यानी जो ऊपरी परत होती है उसकी कोशिकाएं बड़ी होती है, चपटी और टेढ़ी मेढ़ी होती है, तथा प्राय एक ही कोशिका में यानी ऊपर वाली परत की जो कोशिकाएं हैं उसमें एक ही कोशिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं, यानी अमूमन कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन इस प्रकार के जो उत्तक होते हैं उसमें ऊपरी जो परत होती है कोशिकाओं की उसमें एक कोशिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है जो आपको अंडरलाइन करके याद करना है। इसके नीचे जो परत होती है दूसरी परत में, वो कोशिकाएं जो है वो पायरीफॉर्म यानी नाशपाती जैसी होती है उसकी शक्ल की कोशिकाएं होती है। तीसरी और चौथी परत की कोशिकाएं जो होती है वो छोटी छोटी पॉलीहेड्रल होती है, यानी बहुस्तरीय होती है, उनकी मतलब बहुस्तरीय यानी सतीय, उसकी जो सतह है वो बहु होती है, बहुत ज़्यादा सतह वाली सेल होती है। इन कोशिकाओं में अपनी आकृति दबाव के अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता होती है, यानी ये जो टिश्यू है इसकी जो कोशिकाएं होती है वो अपनी आकृति जो है वो इन पे पड़ने वाले दबाव के कारण बदलने की क्षमता होती है इनकी, इसलिए इन्हें परिवर्ती उपकला कहते हैं, यानी इसीलिए इनको परिवर्ती उपकला कहते हैं। अब इसका उदाहरण ये है कि ये मूत्राशय तथा रीनल पेल्विस और मूत्र नलिकाएँ यूरेटर्स, मूत्र नलिकाएँ यूरेटर्स आदि में पाई जाती है। जब ब्लेडर में मूत्र का दबाव बढ़ जाता है तो ये सेल, इस टिश्यू की जो सेल है वो फैल जाती है, अर्थात आकार बदल जाता है, तथा जब यूरिनरी ब्लेडर खाली होता है तो वापस साधारण स्थिति में आ जाती है। इनका मेन काम ये है कि ये उत्सर्जित पदार्थों को पुनः अवशोषित होने से रोकती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दोबारा अवशोषित नहीं हो, इसका इनका मेन काम है, यानी उनको दोबारा अवशोषित होने से रोकती है। तो ये जो है इपिथीलियल टिश्यू के सेकंड प्रकार जो है कंपाउंड इपिथीलियम के बारे में आज हमने अध्ययन किया, इसे भलीभांति याद करें। कल से हम दूसरे टिश्यू के बारे में जान कर लेंगे। धन्यवाद।